शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे मुअज्जम झल्लू के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने मदर एंड चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद सदीक, MSDHQ डॉक्टर अजहर अमीन भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने अवाम में पोलियो मुहिम की अहमियत को जागर करने के लिए मुनक़दा वॉक में भी शिरकत की। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला शेखुपुरा में 2 अगस्त से पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है और ये मुहिम आइंदा 5 रोज तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुहिम के दौरान 6,53,000 से ज्यादा 5 साल से कम उम्र बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 2,000 से ज्यादा टीमें तश्कील दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का कहना था कि पोलियो एक मोहलिक बीमारी है, हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं ताकि पाकिस्तान को मुकम्मल और सही मायनों में पोलियो से छुटकारा दिलवाया जा सके और पाकिस्तान पोलियो फ्री जोन में शामिल हो जाए। उन्होंने कहा कि पोलियो टीमों की बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि जिला भर में एक भी बच्चा पोलियो के कतरे पीने से महरूम न रहे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने शहरियों से अपील की कि वे पोलियो टीमों से तआवुन करें और अपने बच्चों को जिस्मानी माजूरी से बचाने की खातिर कतरे जरूर पिलाएं। मौज़म झल्लू, नुमाइंदा ग्रेट न्यूज़ शेखुपुरा।